Divorce outfit as well. I like the divorce outfit. That's like, that was okay. Yeah.
अपना कुछ सब बच्चे आ जाते हैं कब कब गायु सिमेंट कम है गया अली कब सो सब लोग इनसे ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं कि फैन नहीं है और ये सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोग भी काफी इंटरव्यू करते हैं, तो पता होगा ये नखरे का, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन्होंने कभी जो जितना इनकी हैसियत हो चुकी है उसको भी कभी यूटिलाइज किया हो या उसका मिसयूज किया हो। मुझे 16 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर टीवी में आने वाले नए लोग जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हो, एक्टिंग ऐसी नहीं कर पाए चलेगा, ऐसा ना दिख पाए भी चलेगा, इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, ये रिश्ता जैसा कोई शो ना मिले तो भी रंज नहीं, लेकिन अगर कहीं इनसे अदब तहजीब अपने आप को ग्राउंडेड रखना अगर सीख सकते हैं तो आई थिंक दे बी मोर सक्सेसफुल देन एनीवनी दे कैन एवर अवार्ड। मैं क्या हूँ सिर्फ तक कहना चाहूँगा कि मैं जब भी सेट पर आता हूँ हर 2-3 दिन के अंदर आई मेक अ पॉइंट टू जस्ट टेल बोथ ऑफ देम अ वेरी वार्म थैंक यू for being the way they are, because जैसा सचिन ने बोला है कि मेन लीड्स ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ सालों में सर चढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है, they've been the way they were from day one with which we saw till today, and in fact they're getting more humbler. So ये ऐसे हैं तभी शो भी और सब हम सब you know can go steady and think other things apart from taking tantrums of some leads, you know. So yeah, just stay the same that you are, and God bless you. And I love you both. बोला गया था कि मुझे मौसी की माँ का रोल प्ले करना है
Thank you.
सारे परिवार किसी ने फोटो खींची भाई, इसके बड़ा अच्छा केक है यार ये वाला। हम मुझे दे रहे हैं। आइए भाई साहब, आगे आइए ना, आपको खिलाइए। कम कम अरे मोहसिन ना साथ में, ये बहुत स्टैंड फुल फैमिली लेटर फैमिली को। मोहसिन कम ना, मोहसिन बीच में आना। मोहसिन मोहसिन कहां इधर आएगा? मोहसिन भी तो होता था। आइए भाई। पिछले हमारे आने से पहले, बिफोर आई जॉइन द शो, कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे आर ऑलरेडी कम्प्लीट। 2000 के ऊपर एपिसोड, सारे अवार्ड जीत चुके थे। मार्शल आर्ट वॉज ऑलरेडी जायंट शो इन इटसेल्फ। टू बी पार्ट ऑफ इट इज वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यार ऊपर वाले का। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो, जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट एंड व्होएवर, लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है, वर्क में आपको काम मिलता है, वो जरिया बनता है ऊपर वाले के लिए। सो आई थैंक गॉड। माय फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है, इट साउंड्स क्लीशे, बट आई लव द होल। मैं जब मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के, एंड आई फील फॉर दो सीन्स। क्या होता है ना, वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ, तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता, तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड सो यार दैट दैट इज द रीजन। ओके मोहसिन जी, द लास्ट क्वेश्चन, द होल कास्ट एंड क्रू केम ऑन द सेट एंड यू नो थैंकफुल किया यू नो आपको नाउ, बिकॉज यू नो इतनी लंबी जर्नी रही है, अगर आप एक दूसरे को थैंकफुल या थैंक यू कहना चाहेंगे तो कौन सी लाइन होगी स्टार्टिंग विद मोहसिन? थैंक फॉर दी नायरा, यू नो हमने व्हाट हैड हैपेंड इज, हमने जो हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था, सो मैंने इन्हीं के साथ, इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था, मैंने पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था, एंड वी वर गिवन स्पेस के आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो, सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन, तो वो किया था, तब से इट्स बीन एंड व्हाट हैपेंस इज आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे यू नो, अगर मैं इसे पूछ लूँ कि आप सीन मैंने सही किया नहीं किया, तो सीन के यार ये ठीक नहीं था वापस कर दो, सो दैट इज द फीलिंग, यू नो यू डोंट, आई डोंट हैव टू थिंक यार मैं पूछूँ या इसको मैं बोलूँ कि ये सीन कितना पसंद आया, सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस टू डू द सीन। She's an amazing actor. She's a better actor. मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मतलब I feel very lucky that you know हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है, और मौसम is my good actor, very good looking guy and an amazing actor and a very nice guy, very humble. और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और
आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं बोलना पड़ेगा कि अच्छा था या बुरा था सो वी डोंट हैव दोस थिंग्स दैट इज विद द एंटायर कास्ट सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड सचिन जी प्लीज माय फादर सो ही जस्ट कम एंड डिड इट यार ये कैसा किया तूने वापस कर तो दैट इज द फीलिंग विद द एंटायर कास्ट दैट थैंक गॉड स्टेड आई स्टेड फॉर 4.5 इयर्स 4.5 साल हो गए एंड माशाल्लाह और ऐसे ही आगे बरकरार है इज द बेस्ट गार्ड Any last message? Thank you so much, guys, for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा dialogue रहा है, but thank you. I know हमने शुरुआत से कहते आए हैं, लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना thank you कहें उतना कम है. आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही, इतनी जल्दी accept किया, इतना support किया, हमारे characters को इतना प्यार किया और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी यू नो फील दैट वॉर्म्थ और मतलब लगता ही नहीं कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपने अपनापन से मिलते हैं बहुत लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं दे सी अस एवरी डे सो आई एम श्योर उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल गाइस थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस फॉर लविंग कायरा इंशाल्लाह वी कीप इट Thank you.